घर पर सुरक्षित रहिए, बैरिस्टर बाबू और कॉलर्स के साथ जुड़े रहिए। बॉन्दता को तोहफे में यही पहन दूंगा। आखिर कलम की ताकत से ही तो बॉन्दता तुलसीपुर की पहली लेडी बैरिस्टर बाबू बन के इतिहास रची। तुम्हारे सखा बाबू तुमसे मिलने आ रहे हैं बॉन्दता, एक तोहफा लेके। साफ कर वो गंदगी वहां से भी और अपने दिमाग से भी। मोंदिता सखा बाबू आप। कितना हो मोंदिता, फिर से सपना देख रही है तू? मतलब ये सपना नहीं है? हाँ बॉन्दता, सपना नहीं, मैं सच में आया हूँ। मुझे जैसे ही तुम्हारी चिट्ठी मिली ना, मैं दौड़ा चला आया तुलसीपुर से। तो ठीक तो हो ना बॉन्दता? सुमति माँ कैसी हैं? बहुत दुख हुआ उनके बारे में जानकर, पर तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही उन्हें बहुत बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, वहाँ इलाज करवाएंगे उनका। पहले से अच्छी है माँ, और अभी आराम कर रही है, और हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। उनका इलाज ठाकुर माँ जो कर रही है, पता है बहुत अच्छी वैद्य ठाकुर माँ। भालू बॉन्दता, तुम्हारे हाथ में ये झाड़ू क्या कर रहा था? तुम्हारे हाथ झाड़ू के लिए नहीं बने हैं, तुम्हारी हथेलियों का श्रृंगार ये इंक पेन है, तुम्हारा तोहफा। बनिए के लिए प्याज और औरत के लिए लाज से बढ़कर कुछ नहीं। हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को छूने की? पराए आदमी होकर हमारी घर की बेटी को हाथ कैसे लगाया? पर पराया कहां हूं मैं? मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी, तुलसीपुर से। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। थोड़ी मिश्री थोड़ा नीम, बन गई मैं हकीम। आप अनिरुद्ध रॉय चौधरी हो? जी। आपने पहले बताया क्यों नहीं? बताना चाहिए था ना। मेरी समझ की भूल से भी आप पर हाथ उड़ गया, अब हाथ भी सर की बजाय गाल पर पड़ा है। ये भी नहीं कह सकती कि आशीर्वाद समझ लेना। फिर भी कोई बात नहीं, बड़ों का सबक समझकर ही याद रख लीजिएगा। अरे रिमझिम बहू, तो क्या अब रेडियो पर चित्रमाला सुनकर बरसेगी? देखो जमाई बाबू आए हैं, इनके स्वागत के लिए इनकी आरती उतार, मिष्ठान ला, फूलों की बारिश कर, पैरों में मलमल का गालीचा बिछा। अरे देखती नहीं, जमींदार आए हैं। धूल इनके पैरों में लग जाए तो दाग हमारे माथे पड़ जाता है। ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस बॉम्ब देता। हम लड़की वाले हैं, जरूरत आपकी नहीं हमारी है।
तुक्का माँ, बोंदिता ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और तूने अपनी मांग भी नहीं भरी? समझ गई, तू चाहती थी कि तेरा पति खुद आकर तेरी मांग भरे, है ना? देखा जमाई बाबू, ये भी समझती है कि बिना सिंदूर औरत के लिए सब बेनूर। आखिर जिसे पिया चाहे वही सुहागन तो भाए। लीजिए, इसकी मांग भर दीजिए। आप सबके सामने घोषणा करता हूं कि मेरी और बोंदिता की शादी कानूनी तौर पर टूट गई है। चलिए सिंदूर लगा दीजिए, मानते हैं ना इसे अपनी पत्नी? रिश्ता है ना आप दोनों का, तो लगाइए सिंदूर, भरिए इसकी मांग, लगाइए सिंदूर। सिंदूर नहीं लगा सकता मैं बोंदिता को, अब हम पति पत्नी नहीं। तो किस रिश्ते से हाथ पकड़ा मेरी पोती का? रानी बनाकर नहीं रख सकते थे तो नौकरानी बना लेते, मंदिर का प्रसाद न सही चूहे मारने की दवा समझकर घर के किसी कोने में रख देते कि शायद किसी दिन काम आ जाए। पर रिश्ता तोड़ा क्यों? और अगर तोड़ दिया तो इसे छुआ क्यों? क्योंकि वो बोंदिता है, मेरी बोंदिता। मैं इसका शिक्षक बाबू हूं, इसका सखा बाबू हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है बोंदिता। आप बोंदिता रॉय चौधरी, जिसके तुम शिक्षक बाबू हो, मर चुकी है। अब तुम्हारे सामने खड़ी है इस घर की बेटी बोंदिता दास। किताबों में नहीं लिखा लेकिन ज्ञान सच्चा है, जब कोई रिश्ता टूट जाए तो उसका मरना ही अच्छा और उसकी लाश को जल्द से जल्द खत्म करना अच्छा, वरना उसकी बदबू सबकी नाक में दम कर देती है। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई शिकायत, शिकायत अपनों से होती है और मैं तुम्हें अपनों में नहीं गिनती। मैं भी तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूं, तुम ही बताओ, तुमने बोंदिता से रिश्ता तोड़ा क्यों? और अगर रिश्ता तोड़ दिया तो अब बोंदिता क्या है? सुहागन है, विधवा है या छोड़ी हुई औरत है? क्या है? पति पत्नी का रिश्ता तोड़ा है, साथ नहीं छोड़ा मैंने। आदमी हो, जब चाहे तब रिश्ता तोड़ सकते हो, पर मैं एक औरत हूं और रिश्ते निभाने की बीमारी है मुझे, और मैं बोंदिता की ठाकू मां होने का रिश्ता निभाऊंगी। बहुत हो गया तुम्हारा शिक्षक बाबू वाला खेल। अब जब तक भगवान अपनी कलम से बोंदिता का नया भाग्य नहीं लिखता, तब तक मैं तुम्हारी कलम की स्याही से अपनी बोंदिता का भाग्य लिखने नहीं दूंगी। और शायद उसके बाद भी नहीं। आप ये कलम तोड़ सकती हैं पर मेरा और बोंदिता का रिश्ता नहीं तोड़ सकती। मैं यहां आया हूं बोंदिता को लेने
और उसे यहां से लेकर ही जाऊंगा। पहला वार नहीं करती, पर अगर एक गाल पर पड़े तो दूसरा गाल भी आगे नहीं करती। जब जब घर की इज्जत बचाने की बात आई है, मैंने लाठी उठाई है। आपको जो करना है कीजिए, जितना मारना है मारिए, मार खा सकता हूं, लेकिन बौंदता की पढ़ाई लिखाई नहीं रुकने दे सकता। नहीं बौंदता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं भी देख लेता हूँ कि इनकी लाठी में ज्यादा दम है या मेरे इरादों में। ठाकू माँ मत मारिए, मत मारिए मेरे सका बाबू को। ठाकू माँ अंदर लेकर जाओ इसे। बेटा 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 अनिरुद्ध, तू ठीक तो है? किसकी हिम्मत हुई त्रिलोचन रॉय चौधरी के भतीजे को हाथ लगाने की? मेरी कालिंदी दास की। कालिंदी, कालिंदी जी, जी लगाइए जमींदार साहब। सका बाबू, काका, ये बौंदता की ठाकू माँ है। कहिए इनसे, समझाइए इन्हें कैसा है बौंदता और मेरा रिश्ता। कुछ कहिए काका। बोलिए ना जमींदार साहब, जबान में मरोड़ आ गई, चिमटा लेकर सीधा कर दूं? ये क्या बोलेंगे? मैं बताती हूं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं हम एक दूसरे को। सालों पुरानी बात है, सालों पुरानी बात है ना जमींदार साहब बहुत बीमार पड़ गए थे। जान पर बनाई थी इनकी, जान पर बनाई थी ना। मैंने दवा देकर इनकी जान बचाई, बचाई थी ना जान। लेकिन मेरा दुर्भाग्य, इनकी जान तो बच गई पर मुझे उम्र भर का रोग लग गया। आप तो बड़े जमींदार हैं, भूल सकते हैं दूसरे का एहसान, पर मैं नहीं भूलती। चाहे वो एहसान किसी और ने मुझ पर किया हो या मैंने किसी और पर। क्यों जमींदार बाबू, याद आया कुछ? हमें कुछ याद नहीं है। अनिरुद्ध चलिए जाइए जमींदार साहब, पर अपने भतीजे को अच्छी तरह समझा दीजिए कि अब कोई जमींदार हमारे घर की बेटी के जीवन के साथ नहीं खेल सकता।
उसके सम्मान, उसके आज और उसके भविष्य के साथ नहीं खेलेगा। अच्छी तरह समझा दीजिए अपने भतीजे को, वरना आपकी इज्जत आपके रुतबे पर थू। इनसे कुछ मत कहिए ठाकुर माँ, मैं बहुत सम्मान करती हूँ इनका, आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ मैं। कुछ मत कहिए, मुझे बस एक बार अपने सगा बाबू से मिलने दीजिए। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, मैं अपने सखा बाबू को क्यों दर्द में तड़पते हुए नहीं सह सकती। नहीं सह सकती तो सहना सीख। सहना तो गहना है औरत का। जाइए जमींदार साहब, ले जाइए अपने भतीजे को और कह दीजिए अपने भतीजे से कि अब कोई रिश्ता नहीं है उसका मेरी बौंदिता के साथ। मेरा बौंदिता के साथ रिश्ता है और हमेशा रहेगा। अनिरुद्ध चलिए यहां से। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। ठाकुर माँ आपने ऐसा क्यों किया? जिस अंग में लगे रोग का जहर पूरे शरीर में फैल जाए, उस अंग को काटना अच्छा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप पसंद नहीं करते हो सखा बाबू को? जैसा आप समझते। मैं नहीं समझती जमींदारों की अच्छाइयों को। इधर आ। आप मुझे वहां से ले क्यों आए काका? क्यों चुप रहे आप जब उन्होंने मुझे बौंदिता को मिलने से मना किया? काका, क्या वो मुझे बौंदिता से दूर रख सकती हैं? क्या वो मुझे बौंदिता को मिलने से मना कर सकती हैं? क्या कोई भी मुझसे कह सकता है कि मैं बौंदिता से मिल सकता हूं या नहीं? कुछ कहिए काका। वैसे तो आप हमेशा कहते हैं कि मैं बौंदिता के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी दीवार तोड़ सकता हूं, किसी भी रिश्ते को लांग सकता हूं, किसी भी रीति को लांग सकता हूं, तो फिर क्या हुआ काका इस बार? काका, आपकी चुप्पी समझ नहीं पा रहा मैं। क्या कहते हैं, कुछ गलत तो नहीं कहा बौंदिता की ठाकुर माँ ने? कुछ गलत कहा क्या? क्या रिश्ता है तेरा बौंदिता से? आप ये कह रहे हैं काका? काका आप कह रहे हैं कि मेरा बौंदिता से क्या रिश्ता है? लड़कियां परिवार के लिए मान नहीं, दान होती हैं, और दिया हुआ दान कभी वापस नहीं लेती। पर हमने लिया क्योंकि जमींदारों ने हमारा दिया हुआ दान हमें लौटा दिया। अब लौटाए हुए दान को वापस मांगने का अधिकार उन्हें कैसे मिला? लड़कियां तो कोई वस्तु नहीं जिसे हम दान में दे दे। तू नहीं समझती एक आदमी के बिना कितना मुश्किल होता है एक औरत का जीवन। एक लड़की पतंग की तरह होती है जो हवा में लहराती तभी अच्छी लगती है जब उसकी डोर किसी आदमी के हाथ में हो। एक बार डोर कट गई तो जमीन पर गिरी हुई पतंग सबकी हो जाती है।
फिर इस गिरी हुई पतंग के तार तार होने में बहुत समय नहीं लगता। तुझसे भी छोटी थी जब मेरी बारात मेरे घर से लौट गई थी, तब मैंने एक बात सीखी, अगर औरत ना बैठे पालकी तो वो ना घर की ना घाट की। और देख ले, तब से ना सदवा रही ना विधवा रही। अगर औरत का नाम एक आदमी के नाम से ना जुड़ा हो तो सब उसका फायदा उठाते हैं। और मैं चाहती हूं जो जीवन मैंने जिया है तू ना जिए। गलत है बंदता की ठाकुर माँ, उससे उसकी शिक्षा छीनना चाहती हैं वो। बंदता को अज्ञानता के कुएं में ढकेलना चाहती हैं। क्या बंदता वहां खुश रहेगी काका? क्या मुझे बंदता को वहां से निकालना नहीं चाहिए? मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। रोकूंगा मैं उन्हें, रोकूंगा। कैसे कैसे रोकेगा तुम्हें? क्या अधिकार है तुम्हारा बंदता पर? क्यों साहब ने ये सब? सब कहते हैं कि कितनी अच्छी वैद्य हैं आप। पति का नाम नहीं मिला, ससुराल नहीं मिला, तेरे बाप दादा के बनाए हुए इस वैद्य के काम को करना पड़ा। तेरे बाबा काका सब छोटे थे, पर तेरे दादा तो भगवान के पास चले गए, तभी तो वैद्य बनकर परिवार को पालने की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। उस समय दवाइयों का ज्ञान मेरा गुण नहीं, मेरी मजबूरी थी। अपने हुनर को अपनी मजबूरी का नाम क्यों दे रही हैं आप? मेरे सखा बाबू कहते हैं कि आदमी और औरत एक समान होते हैं। पढ़ाई और बुखार जब लड़की जात के दिमाग पर चढ़ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ही उतरता है। पर अब बात से समझे या लात से, तुझे संस्कार और रीति रिवाज तो सिखाने पड़ेंगे। थोड़ी बात थोड़ी लात, तभी समझे औरत जात। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.